अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सोहेल एंड यू वाचिंग यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहेल लेक्चर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम NMD CAT बायोलॉजी में वायरसेस पे बात करेंगे और उसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो के पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पे बात करेंगे थ्रू द MCQs। तो हमारे पास आज के लेक्चर में 10 MCQs हैं और उसको एक एक करके हम डिटेल में उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQs है, टोबैको मोज़ेक वायरस वॉज क्रिस्टलाइज्ड बाय। हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, स्टेनली, एवनिस्की, पैस्टर एंड चैम्बरलैंड। अब ये चारों के चारों जो साइंटिस्ट हैं इनकी कंट्रीब्यूशन आपने लाजमी याद करनी है। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अल्फा इज करेक्ट, स्टेनली। सो TMV जो कि प्लांट वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये स्टेनली ने आइसोलेट किया और बाकी तीनों साइंटिस्ट की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपने उसको भी देखना है। देखें सबसे पहले एवनिस्की, दे क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग वायरसेस। तो वायरस को जो डिस्कवर किया, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस को, या पूछा जा सकता है कि प्लांट वायरस को, तो एवनिस्की ने डिस्कवर किया। और उसके बाद सेकंड है चैम्बरलैंड, चार्ल्स चैम्बरलैंड, प्रोवाइड द फर्स्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरसेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि फर्स्ट टाइम अगर वायरस की एग्जिस्टेंस के बारे में साइंटिस्ट ने बताया, दिस इज वन ऑफ द पास्टर एसोसिएट, चार्ल्स चैम्बरलैंड। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, लुईस पास्चर, आप जानते हैं कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम रिगार्डिंग द रिसर्च ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ही डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस। इसने ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, दे कैन कॉज डिजीजेस। प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन टू प्रिजर्व द वेरियस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड ही ऑल्सो डिवेलप्ड द वैक्सीन्स अगेंस्ट द एंथ्रॉक्स एंड रेबीज। तो इसके अगेंस्ट भी वैक्सीन इसने डिस्कवर की। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये लुईस पास्चर की कंट्रीब्यूशन में है। तो ये आपने तीनों साइंटिस्ट की, अलोंग विद द स्टेनली जिसने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs है, विच स्ट्रक्चर हेल्प वायरसेस टू रिकग्नाइज द होस्ट सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि वायरसेस और द ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, दे नीड ए होस्ट सेल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और उसके रिजल्ट में इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। सो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है वायरस में जो के रिकग्नाइज करेगा होस्ट सेल को? हमारे पास चार ऑप्शन है, अल्फा में इनवेलप है, बीटा कैप्सोमेयर, चार्लीज ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स एंड डेल्टा इज जीनोम। चारों के चारों वायरल कंपोनेंट हैं, लेकिन इसमें होस्ट सेल को जो रिकग्नाइज करता है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आपको वायरस के स्ट्रक्चर का पता है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखें आपको जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, और ये स्पाइक्स जो हैं इसकी दो फॉर्म होती हैं। यहाँ डायग्राम के अंदर आपको एक जो है GP120 हमें मिलता है और एक जो है वो मिलता है GP41। इसके अंदर जो पार्ट ऊपर की तरफ आपको नोब की तरफ नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं GP120। GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। और इसके नीचे जो एम्बेडेड फॉर्म में आपको स्टॉक नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड द GP41। अब इन दोनों के डिफरेंट फंक्शन हैं, आगे हम MCQs के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक के दो पार्ट होते हैं, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम GP यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहते हैं, और एक जो है वो GP41 यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो ये बाकी जीनोम भी आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये इसका कैप्सिड है जो कि प्रोटीन जो है वो कोट है। फिर ये वाला जो कोट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनवेलप एंड दिस विल डिराइव फ्रॉम देयर होस्ट सेल। तो आप जानते हैं कि ये ओरिजिन जो है ये होस्ट सेल से होता है, यानी ये वायरल ओरिजिन नहीं है। सो ये इस एक डायग्राम के अंदर आपको उस MCQs की जस्टिफिकेशन मिल रही है। थर्ड MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फीचर ऑफ वायरसेस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs के, इसमें आपको लिविंग और नॉन लिविंग फीचर वायरसेस के पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, फर्स्ट है कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, बीटा इज ए सेलुलर, चार्ली इज डिस्ट्रॉयड बाई UV रेज एंड डेल्टा इज नो मेटाबोलिक मशीनरी। तो इसमें से आपने ये बताना है कि लिविंग फीचर इसकी कौन सी है। सो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिस्ट्रॉयड बाई UV रेडिएशन। अब डिस्ट्रक्शन जिस चीज़ की होती है, इसका मतलब है कि वो लिविंग फीचर इसकी शो करता है। बाकी अगर हम देखें क्रिस्टलाइजेशन, तो ये नॉन लिविंग फीचर है। ए सेलुलर यानी इसमें सेल नहीं होते वायरसेस में, नॉन लिविंग फीचर है। नो मेटाबोलिक मशीनरी, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं है, ये भी इसकी नॉन लिविंग फीचर है। लेकिन इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, दिस इज वन ऑफ द लिविंग फीचर ऑफ वायरसेस। तो आपने इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों करेक्टरिस्टिक से जो है इसको स्टडी करना है। अदर लिविंग फीचर्स की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन होती है,
कि अपनी नंबर्स इंक्रीज कर सकता है, सो रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द लिविंग फीचर, और बाकी जितने भी यहाँ आपको इनलिस्ट किए हैं ये सारे के सारे इसमें नॉन लिविंग फीचर्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैंड ऑफ वायरसेस सर्व एज मैसेंजर आरएनए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है, आपने इसमें समझना है इसको कि कौन सा जो स्ट्रैंड है वायरसेस का वो सर्व एज ए एमआरएनए। सो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, अल्फा इज एसएसडीएनए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, फिर पॉजिटिव एसएसआरएनए यानी कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, फिर डीएसडीएनए इट स्टैंड्स फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड नेगेटिव स्ट्रैंड एसएसआरएनए। सो ये चारों के चारों आपने इनको अच्छे से पढ़ना है कि इनकी जो है वो किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है या ये कहाँ कहाँ पर ये किन वायरसेस में यूज़ होते हैं। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द पॉजिटिव सेंस एसएसआरएनए। अब इसमें पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस एसएसआरएनए में क्या फ़र्क होता है? अगर तो हम कह रहे हैं कि दे सर्व एज एमआरएनए तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव सेंस है, एंड इफ़ इट इज़ सर्व एज टेम्पलेट फॉर एमआरएनए देन इट्स कॉल्ड द नेगेटिव सेंस। ये दोनों के अंदर फर्क होता है। अगली स्लाइड के अंदर आपको ये इसमें वायरल जीनोम की कुछ करेक्टर्स भी बताते हैं, जैसा कि नेगेटिव स्ट्रैंड या नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस इस एक्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फ्रॉम विच मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज्ड, यानी इट सर्व एज नेगेटिव सेंस विल सर्व एज टेम्पलेट फॉर एमआरएनए, यानी ये मैसेंजर आरएनए बनाने का काम करेगा, और जो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस हैं दे आर सिंपली एक्ट एज मैसेंजर आरएनए, यानी वो इट्स सेल्फ मैसेंजर आरएनए होते हैं। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस बताना है। अगर एमसीक्यू आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए तो इसमें नेगेटिव आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सर्व एज ए मैसेंजर आरएनए तो ये पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए आएगा। फिर इसी तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस भी होते हैं जिसको डीएसडीएनए कहते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस भी होते हैं जिसको हम डीएसआरएनए कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी इज क्रिटिकल फॉर सेल फ्यूजन प्रोसेस। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, अल्फा इज मैट्रिक्स प्रोटीन विच इज द कंपोनेंट ऑफ वायरस, जीपी 120 ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड ऑल आर करेक्ट। तो इसके अंदर जो सेल फ्यूजन प्रोसेस में है दैट इज द बीटा जीपी 41। जैसे मैंने आपको बताया है कि जीपी 41 और जीपी 120 जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है, अगली डायग्राम पे अगर आप देखें तो देखें दोनों आपको पार्ट नज़र आ रहे हैं। ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये जीपी 120 है, और इसके अंदर ये आपको थ्रेड से नज़र आ रहे हैं ये वाले दैट शोइंग द जीपी 41। अब जीपी 120 जो है उसका काम क्या होता है, दे विल रिकग्नाइज द होस्ट सेल, उन्होंने होस्ट सेल को रिकग्नाइज करना है, और जीपी 41 क्या होते हैं वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन का काम करते हैं। जैसे इस डायग्राम के आपको नजर आ रहा है, देखिए यहां पर ये पार्ट के अंदर तो इसकी रिकग्निशन हो रही है, देर आर CD4 रिसेप्टर ऑन द एचआईवी सर्फिस, और उसके साथ आप देखें कि जीपी जो 120 है ये वाला, ये आपको 120 मिल रहा है, ये उसको रिकग्नाइज कर रहा है। और उसके बाद यहाँ अगर आप देखें ये वाली डायग्राम के अंदर तो यहाँ जीपी 41 जो है ये फ्यूज कर रहा है मेम्ब्रेन के साथ, और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके आप जानते हैं कि जो वायरस का एनवेलप होता है वो होस्ट मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाता है एंड देन वायरस इज द गेन एंट्री इन टू द सेल। सो यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं आपने याद रखनी है, जीपी 120 एंड जीपी 41। जी सिक्स एमसीक्यूज हैं, इंजाइम यूज टू इनकॉर्पोरेट वायरल डीएनए इनटू द होस्ट डीएनए। जैसा कि हमने देखा कि एचआईवी जो के होस्ट में जाएगा वहां आरएनए से डीएनए बनेगा एंड देन दैट डीएनए विल इनकॉर्पोरेट इन द वायरल डीएनए। सो उसके अंदर इंजाइम कौन सा काम करता है, चार इंजाइम है आपके सामने यहाँ, अल्फा इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बीटा इज इंटीग्रेज, चार्ली इज प्रोटीएज एंड डेल्टा इज डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ इसके इंजाइम के नाम से ही पता चल रहा है कि अटैचमेंट कौन सा कर सकता है दो डीएनए को, दैट इज द इंटीग्रेजिस, यानी कि इंटीग्रेशन में काम करते हैं। बाकियों का आपको फंक्शन का पता है, जैसा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, प्रोटीएज हैं प्रोटीन की डाइजेशन के लिए यूज होते हैं यानी उसके कैप्सिड के लिए, डीएनए पॉलीमरेज हैं ये डीएनए की जो है वो फर्दर रेप्लिकेशन के लिए यूज होते हैं, तो इंटीग्रेजिस जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवन एमसीक्यूज पे आते हैं, सिम्टम्स सच एज द सोलन लिम्फ ग्लैंड्स इन द नेक आर्मपिट एंड ग्रोइंग आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ एड्स। अब एड्स के डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसमें ऑप्शन में आपको ये मिलेंगी, अल्फा इज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, फुल ब्लॉन एड्स,
एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स और ART. सो ये वाले जो सिम्टम है जिसमें स्वेलन लिम्फ नोड नेक के अंदर, आर्मपिट के अंदर, एरिया बिटवीन द लेग्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमें चार्ली एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलते हैं। अब अगर हम इनको सीक्वेंस में लेके आए तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो ये वाली है, ए सिम्टोमेटिक कैरियर। सेकेंड जो स्टेज है वो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और थर्ड स्टेज जो है वो हमें मिलेगी फुल ब्लॉन एड्स। अब ये फुल ब्लॉन एड्स जो है इसके अंदर जो वीकनेस है, इम्यून सिस्टम जो डिस्ट्रॉय होता है, ये थर्ड स्टेज के अंदर होता है। लेकिन पहली स्टेज के अंदर वो एसिम्टोमेटिक है, सिंपली रैशेज हैं, फीवर है, इस तरह की कंडीशन डिवेलप होती है। और सेकंड जो है ARC एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स हैं जैसा कि स्वेलन लिम्फ नोड्स शो होती है, और फिर जब फुल ब्लॉन एड होता है उसमें जो अदर सिम्टम्स हैं, जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी, वीकनेस, सडन वेट लॉस, ये सारी की सारी कंडीशंस हैं वो आती हैं। अब यहाँ एक टर्म यूज हुई है ART। अब ART एक ट्रीटमेंट है एड्स की, इसके लिए हम इट स्टैंड्स फॉर एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी। ये भी आपने टर्म याद रखनी है, ये आप कह सकते हैं दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, ये एड्स की ट्रीटमेंट है। थेरेपी वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होता है दैट विल इनटेक इन द फॉर्म ऑफ थेरेपी। सो ART भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपने इसमें लर्न करनी है। नेक्स्ट MCQs पे जाते हैं। प्लांट पैथोजेंस दैट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्ट्रेच्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA विदाउट ए प्रोटीन कोट और इनवेलप, इसमें व्रायोन है एक ऑप्शन, अल्फा बीटा में वायरॉइड्स हैं, चार्ली में प्रायोन्स हैं, डेल्टा ऑल और करेक्ट। तो इसमें अब यहां आपने देखना है कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA यूज हुआ है विदाउट प्रोटीन कोट, इसमें प्रोटीन कोट नहीं है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास जो है वो वायरॉइड है, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। अब तीनों की तीनों टर्म्स आपने याद रखने, देखें अल्फा में क्या है, व्रायोन। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें सिर्फ प्रोटीन होती है, ओनली प्रोटीन, देयर इज नो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम यहां पर देखेंगे, हमने देखा कि देयर इज ओनली RNA, यहां सिर्फ और सिर्फ RNA होता है। और अगर हम यहां पर प्रायोन्स हैं उसके लिए हम ये ओनली प्रोटीन बात करेंगे। अच्छा, व्रायोन्स होते हैं, दे आर मिच्योर वायरसेस, ये मिच्योर वायरसेस हैं, और मिच्योर वायरसेस में आप जानते हैं दोनों चीजें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड, इसमें DNA RNA हो सकता है, और प्लस इसके अंदर प्रोटीन भी हमें मिलती है। तो ये तीनों टर्म्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पर अगर RNA की बात करेंगे तो वायरॉइड्स टर्म सही है, अगर सिर्फ प्रोटीन की बात होती तो प्रायोन वर्ड सही है, और अगर DNA और प्रोटीन कोड या RNA और प्रोटीन कोड एक मिच्योर वायरस की बात होगी तो इसमें अल्फा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। 9th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल कंपोनेंट इज द पार्ट ऑफ वायरल कोट। अब वायरल में दो पार्ट्स होते हैं वायरसेस में, कोट एंड कोर। तो पूछ रहा है कि कोट के कंपोनेंट जो है वो कौन से हैं, चार आपके पास ऑप्शन है, अल्फा इज DNA, बीटा एंजाइम्स, चार्ली इज RNA और डेल्टा इनवेलप। तो कोट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इनवेलप, ये कोट का पार्ट है, यानी ये आउटर होता है, कैप्सिड के बाहर की तरफ हमें मिलेगा और ये कोट जो है उसका बनाएगा। कोर के अंदर क्या क्या होगा, DNA भी कोर के अंदर होगा, एंजाइम्स भी कोर के अंदर होंगे, और RNA अगर होगा तो वो भी कोर के अंदर होगा। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, टेंथ, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस बाय विच द फॉरेन DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सेल बाय ए वायरस और वायरल वेक्टर, कि कैसा प्रोसेस इसमें फॉरेन DNA को वायरस के जरिए किसी सेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है। सो चार ऑप्शन है आपके पास, अल्फा इज ट्रांसफॉर्मेशन, बीटा इज कॉन्जुगेशन, चार्ली इज ट्रांसडक्शन, डेल्टा इज इंडक्शन। ये चारों टर्म्स जो हैं आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं यूज हुई हैं। लेकिन अगर वायरस से हम DNA इंजेक्ट करते हैं किसी भी सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन। वैसे तो सारे के सारे जो पार्ट हैं दे आर रिलेटेड टू द वायरसेस, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये आपने इसको समझना है। अगली स्लाइड के अंदर हम यहाँ पे बात करें। देखिए, सबसे पहले आपको कॉन्जुगेशन मिल रही है। अब कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जो कि डोनर है उससे एक रिसिपियंट बैक्टीरिया में DNA जा रहा है, लेकिन वहां पर एक ट्यूब बनी हुई है, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। तो अगर तो एक ट्यूब से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर, प्लाज्मिड का एक पार्ट होता है, वो मूव करता है, एक डोनर होता है और एक रिसिपियंट होता है। यहां एक्सचेंज नहीं हो रही, एक वायरस, अब जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये डोनर है
और ये वाला आपको जो मिल रहा है ये इसके अंदर रिसिपियंट है और वो उसको रिसीव कर रहा है। ये तो होगी कॉन्जुगेशन। अब देखिए ट्रांसडक्शन क्या है। ट्रांसडक्शन ये है कि वायरस यहाँ बैक्टीरिया के अंदर बना, आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज है, अब वो यहाँ से डीएनए को अगले बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेगा। सो अब वायरस इन्वॉल्व हुए हैं डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में या सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करने में, तो इसके लिए टर्म जो है वो ट्रांसडक्शन यूज होगी। और तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ना तो यहाँ पर वायरस यूज हो रहे हैं और ना ही यहाँ पर कोई ट्यूब है इसके दरमियान। यहाँ सिंपली क्या होता है, यहाँ सिंपली जो डीएनए है वो मूव करता है सेल से बाहर और अगले सेल के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है विदाउट एनी कैरियर, विदाउट एनी ट्यूब, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों टर्म्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 10 MCQs थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और ये 10 के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार PMC के अंदर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सो आपने इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है।